नमस्कार, मैं सारिका श्रीवास्तव, स्वागत है आपका INN 24 में। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जगदलपुर के धनसिंह नायक वार्ड क्रमांक 24 के पार्षद अपने वार्ड की समस्याओं के लिए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। कभी वह साइकिल की पदयात्रा कर राज्यपाल से अपनी समस्याओं को अवगत कराते हैं, तो कभी कलेक्टर आयुक्त के समक्ष समस्याओं को संज्ञान में लेकर आते हैं। आज नगरपालिका निगम में सामान्य सभा की बैठक में अपने वार्ड की समस्याओं को संज्ञान में लाने स्वयं नालियों से कचरा निकालकर ठेले में नगर निगम कार्यालय पहुंचे, साथ ही हैंडपंप लाकर अपने वार्ड में पेयजल की समस्या की ओर इंगित कराया। धनसिंह नायक का कहना है कि किस प्रकार सत्ता पक्ष न भेदभावपूर्ण कार्रवाई करती है, बीजेपी पार्षद के वार्ड को सफाई नहीं करवा रहे हैं, पेयजल पर ध्यान नहीं दिए जा रहे हैं, सत्ता पक्ष सत्ता के मद के मदहोश है, जनता परेशान। कलेक्टर सर के संज्ञान में लिया, उसके बावजूद भी कांग्रेस सरकार जो जनता के जनहित कार्यों को समस्या का निराकरण नहीं कर रही है, जिसके कारण मुझे मजबूरन स्वयं मैं नाली सफाई करके ठेला में डालकर आज मैं नगर निगम सामने में लेके आया हूं। और पानी का समस्या है, इस कारण मैं ये हैंडपम्प लेके मैं अपना समस्या, मेरे वार्ड की जनता का समस्या को मैं अवगत कराना चाह रहा हूं। नगर निगम करोड़ों रुपया खर्च कर रही है सफाई के नाम में, लेकिन सफाई जस का तस पड़ा हुआ है। ये नगर निगम से फोटो खिंचवाने का और फर्जीवाड़ा कर रही है।